हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स को। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट काइंड्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, जिसमें हमने थ्री काइंड के असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज इंपरेटिव स्टेटमेंट, द सेकंड वन इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज असेंबलर डायरेक्टिव। हमने बेसिक समझ लिया था असेंबलर डायरेक्टिव का। असेंबलर डायरेक्टिव्स होते क्या थे स्टूडेंट, ये असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है एट द टाइम ऑफ असेंबली। यहां तक हमने बातों को समझ लिया था, हमने स्टार्ट और एंड के बारे में समझ लिया था। आज हम लोग कुछ एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज ऑरिजिन। ऑरिजिन भी क्या है, एक असेंबलर डायरेक्टिव है, यानी ये असेंबलर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। So the syntax of this directive is, आपको origin लिखना है, then क्या देना है, address देना है। अब ये address space क्या होता है, where address space is an operand space or constant, यानी कि आप यहाँ पे कोई operand दे सकते हैं, इसके जगह पे आप कोई operand दे सकते हैं या आप कोई constant दे सकते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है student, इसका मतलब the directive indicates that location counter should be set to the address given by the address specification. यानी कि इस address specification पे आप जो भी address provide कीजिएगा 200, 300, 400, तो location counter जो आपका होता है, location counter क्या होता है, जो आप लोग program counter basically पढ़ते हैं ना C language में, वही location counter होता है जो कि जो current statement execute हो रहा होता है उस पर वो क्या करता है, refer करता है। तो मान लिया जाए अगर ये आपका सेट ऑफ लाइंस है प्रोग्राम का, ठीक है, ये प्रोग्राम, ओके, ध्यान से समझिए, और लोकेशन काउंटर जो है अभी आपका वो सेकेंड स्टेटमेंट पे है, ठीक है, ये है आपका लोकेशन काउंटर। अब मान लिया जाए आपने लिखा है ओरिजिन 5, हम लोग मान के चलते हैं 5 और 1 2 3 4 5, ये है आपका 5। तो अब लोकेशन काउंटर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से बोले तो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गया होंगे कि इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने लिखा ओरिजिन, उसके बाद आपने कोई ऑपरेंड दिया या कॉन्स्टेंट दिया, तो वहां से जो है इसका आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो द ओरिजिन स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन द टारगेट प्रोग्राम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव वर्ड्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑरिजिन स्टेटमेंट आपका यूजफुल होता है जब जो आपका टारगेट प्रोग्राम है वो कंजिक्यूटिव वर्ड्स में लोकेटेड नहीं है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर लेवल पे काम करता है ना। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेज में सब लोग को कोड लिखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे जब आपका जो टारगेट कोड है, अब टारगेट कोड क्या होता है ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में ही, जो कि था आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी, चलिए उसको हटाइए। अगर आपका टारगेट प्रोग्राम कंजिक्यूटिव वर्ड्स में स्टोर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका मान लिया जाए मेमोरी है, हम लोग जस्ट इमेजिन करके चलेंगे, ठीक है, अगर मान लिया जाए ये आपका मेमोरी है, इसमें क्या होंगे, कंजिक्यूटिव वर्ड्स होंगे, है ना, डेटा वर्ड्स होंगे कुछ इस प्रकार से, ओके, डॉट 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 डॉट, और ये आपके टोटल वर्ड्स हो गए। तो मान लिया जाए जो आपका टारगेट प्रोग्राम है स्टूडेंट, वो कुछ यहाँ पर स्टोर है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाइट वाला ले लेते हैं, हाँ, ये कुछ मान लिया जाए यहाँ पे स्टोर है, उसके बाद कुछ यहाँ पे स्टोर है, फिर आपका यहाँ से लेकर के एंड तक इस प्रकार से स्टोर। तो जब असेंबलर, यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो फर्स्ट जो वर्ड होगा आपने स्टार्ट में दे दिया, हमने असेंबलर डायरेक्टिव में पढ़ा था स्टार्ट, तो मान लिया जाए ये है 200, ठीक है, ये जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड ये है 200, ये है मान लिया जाए 500 और ये है मान लिया जाए 800, ठीक है। नाउ अब आपने लिखा स्टार्ट 200, तो क्या होगा, जब आपने लिखा स्टार्ट 200 तो यानी कि 200 वर्ड जो होगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो चलेगा सीक्वेंस में, लेकिन आपको यहाँ के बाद ये दोनों वर्ड में जो स्टोर है इंस्ट्रक्शन, इसे एग्जीक्यूट नहीं कराना है। आपका जो टारगेट प्रोग्राम है वो इसके बाद अब इस वाले वर्ड पे है, इस वाले मेमोरी वर्ड पे है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे,
ओरिजिन का यूज करेंगे, क्या करेंगे ओरिजिन। आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा ओरिजिन 500। जब आप लिखिएगा ओरिजिन 500 तो यहां के बाद एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। देन आगे चलेगा अगेन आपका यहां पे जो है टारगेट प्रोग्राम वो एंड हो रहा है और जो आगे का टारगेट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है इस वर्ड से। तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा ओरिजिन 800, ठीक है। यानी कि जब आपने लिखा ओरिजिन 800 तो जो आगे का एग्जीक्यूशन होगा वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपने लिखा है ओरिजिन 200, इसका मतलब क्या है कि लोकेशन काउंटर विल शिफ्ट टू रॉम लोकेशन 200, जो 200 रॉम लोकेशन होगा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। आपने यहां पे लिखा ओरिजिन 500 तो अब लोकेशन काउंटर यहां से कहां चलाएगा 500 पे चलाएगा। तो आई होप आप लोग ओरिजिन को काफी अच्छे से समझ गए होंगे, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं है। द नेक्स्ट वन इज EQU। अब ये क्या होता है, तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। इस डायरेक्टिव का सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट, सिंबल देन आपको EQU लिखना है और यहां पे एड्रेस स्पेसिफिकेशन देना है। वेयर एड्रेस स्पेसिफिकेशन इज एन ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। यानी कि आप यहां पे देखिए ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन से कंफ्यूज ना होना है। आप यहां पे कोई ऑपरेंड देंगे ए बी सी डी जिसका कुछ एड्रेस होगा, है ना, या आप डायरेक्टली एड्रेस देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझिए, एक ऑपरेंड है पी, ठीक है, जिसमें एड्रेस है 200, तो आप पी लिखेंगे उसका मतलब क्या है 200 एड्रेस है, या आप डायरेक्टली 200 लिख दीजिए। तो या तो आप ऑपरेंड दीजिए या तो आप कॉन्स्टेंट दीजिए, आगे बात समझिए। तो यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और इस साइड में आपको सिंबल देना है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि दिस स्टेटमेंट डिफाइंस द सिंबल टू रिप्रेजेंट एड्रेस स्पेसिफिकेशन। यानी कि एड्रेस को, उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या करता है, सिंबल को डिफाइन कर देता है। दिस डिफर्स फ्रॉम डिक्लेयर कॉन्स्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज स्टेटमेंट्स एज नो एलसी प्रोसेसिंग इज इंप्लाइड। यहां पे कोई जो एलसी प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे कोई लोकेशन काउंटर का प्रोसेसिंग नहीं होता है। ये DCDS स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है EQU 100, तो पहले तो आपको सिंटैक्स को समझना है। ये ए क्या है, ये ए है आपका सिंबल, ये ए क्या है, ये है सिंबल, ये EQU क्या है, EQU लिखा हुआ है, और 100 क्या है, ये है आपका एड्रेस। Means, जो आपका मेमोरी है, मान लिया जाए ये आपका मेमोरी है, इसमें काफी सारे डेटा वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो जो 100 आपका एड्रेस है, लाइक ये मान लीजिए आपका 100 एड्रेस है, तो ये जो नेम होगा ए, ये ए रेफर करेगा इस 100 वाले एड्रेस को। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो EQU इक्विवेलेंट, है ना, नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट, यानी कि ये इस एड्रेस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप इसको इसके साथ इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अब कहीं लिखिएगा ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस 100। ओके, सो फिर से मैं बता दे रहा हूं, EQU स्टेटमेंट का यूज होता है किसी एड्रेस के लिए सिंबल को डिफाइन करना। हम लोग इस 100 के लिए क्या कर रहे हैं, इस ए सिंबल को डिफाइन कर दिए। आगे बात समझ में, तो आई होप आप लोग EQU को भी समझ गए होंगे। द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज LTORG, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिंगल भी पूछ दिया जाता है कि LTORG जो असेंबलर डायरेक्टिव्स है उसके बारे में लिखिए। तो इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो LTORG क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट अलाउज अ प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई वेयर लिटरल्स शुड बी प्लेस। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में लिटरल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है, हमने पढ़ा था डिक्लारेशन स्टेटमेंट, वहां पे था डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कॉन्स्टेंट। जब हमने पढ़ा था डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, तो वहां पे जो लास्ट लाइन था उसमें लिखा हुआ था कि असेंबली लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट दो तरह से जो है वो ट्रीट होते हैं। एक तो आपका हो गया इमीडिएट ऑपरेंड और दूसरा हो गया लिटरल। हमने इमीडिएट ऑपरेंड को पिछले वीडियो में डिस्कस किया स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में भी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इमीडिएट ऑपरेंड क्या होता था, कोई कांस्टेंट होता था या रिजल्ट ऑफ अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता था। चलिए बात खत्म, बात करते हैं लिटरल की। लिटरल का हमने सिंटैक्स देखा था, अगर इक्वस
और कहीं पे वैल्यू लिखा हुआ है, वी ए एल वी ए एल यू ई, आप लोग समझ गए ना, अगर कहीं इक्वस 5 लिखा हुआ है ऐसे सिंगल क्वोट्स में, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक लिटरल्स है। तो एल टी ओ आर जी जो स्टेटमेंट है ये यूज होता है, ये प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लिटरल कहां पे स्टोर होगा मेमोरी में, ठीक है। सो द असेंबलर एलोकेट्स मेमोरी टू द लिटरल्स ऑफ अ लिटरल पूल, जितने भी लिटरल पूल में लिटरल्स हैं, यानी कि जितने भी लिटरल्स आपने प्रोग्राम में यूज किए हैं वो लिटरल्स कहां पे स्टोर होंगे, ये क्या करेगा, एल टी ओ आर जी स्टेटमेंट बताएगा। अगर आपने एल टी ओ आर जी स्टेटमेंट लिखा है तो असेंबलर क्या करेगा, इन सारे लिटरल्स के लिए मेमोरी को एलोकेट कर देगा। आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपने एल टी ओ आर जी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि ये कंपलसरी तो है नहीं, देन क्या होगा, फोर इमीडिएट वैल्यू आर गेटिंग लोकेशंस आफ्टर एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, जितने भी लिटरल्स होंगे उन सभी को मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के पहले मैं आपको बता दूं, लिटरल्स का सिंटैक्स आपको पता है, जैसे इक्वस और सिंगल क्वोट्स में अगर कहीं लिखा हुआ है 6, तो दिस इज लिटरल्स, ये क्या है, लिटरल्स है। और कांस्टेंट हमको पता है, सिंगल अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 6, दिस इज कांस्टेंट। आगे बात समझ, इसके बारे में हमने डिक्लेयर कांस्टेंट में देखा था पिछले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट, काफी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है प्रोग्राम विदाउट एल टी ओ आर जी, ठीक है। अगर आप एल टी ओ आर जी के बिना प्रोग्राम लिखते हैं तब क्या होता है, आपने सबसे पहले लिखा स्टार्ट 300। अब स्टार्ट क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव है, हम लोग सिंटैक्स पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ये है स्टार्ट, यहाँ पे आपने दिया कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपने एड्रेस बताया, क्या एड्रेस बताता है कि जो आपका टारगेट प्रोग्राम है उसका फर्स्ट वर्ड का एड्रेस क्या है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, 300 है इसका एड्रेस, यानी कि लोकेशन काउंटर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 300 पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, मूवर ए आर जी इक्वल्स 5, दिस इज वॉट, दिस इज लिटरल, दिस इज वॉट, दिस इज लिटरल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ए रजिस्टर में इस 5 लिटरल को मूव करा रहे हैं। देन आप क्या कर रहे हैं, मूव एम बी रजिस्टर आर वन, ये जो मेमोरी आर वन है, मूव आर और मूव एम के बारे में हम लोग पढ़े थे, देखिए किसमें पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज में, जब हम लोग निमोनिक्स ऑपरेंड कोड पढ़े थे, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आर वन में जो रहेगा वैल्यू उसको बी रजिस्टर में कर देगा, देन स्टॉप है, देन कुछ और स्टेटमेंट है, और लास्ट में 8 है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट समझने वाले नहीं, हम लोग एल टी ओ आर जी के यूज को समझने वाले। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जब आपने एल टी ओ आर जी का यूज नहीं किया, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका लिटरल है 5 क्या है, एक लिटरल है, इसको मेमोरी एलोकेट होगा एंड स्टेटमेंट के बाद। तो एंड का अगर आपका एड्रेस है 304, तो इसके बाद यानी कि 305 या जो भी हो, इसके बाद क्या होगा, आपके लिटरल को मेमोरी एलोकेट होगा। आगे ये बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एल टी ओ आर जी के साथ प्रोग्राम को लिखते हैं तब क्या होता है। तो ये तो आप समझ गया, स्टार्ट 300, लोकेशन काउंटर गया 300 पे शिफ्ट हो गया, देन हमने लिखा मूव अर ए रजिस्टर, इसमें क्या हुआ, ये जो आपका लिटरल है ये आपका मूव कर गया, देन है मूव एम और समथिंग कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका आता है एल टी ओ आर जी, ये क्या है, एल टी ओ आर जी, और ये है आपका स्टेटमेंट एड्रेस नंबर 303 पे। अब यहाँ पे खेला होगा, क्या होगा, खेला होगा, कौन सा खेला होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अकर हुआ एल टी ओ आर जी, तो असेंबलर क्या करेगा, लिटरल पूल में जितने भी लिटरल्स हैं, उन सभी के लिए मेमोरी को एलोकेट कर देगा। आगे बात समझ में। तो अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम में कितने लिटरल्स का यूज किया है, देखिए द फर्स्ट लिटरल इज इक्वल्स 5 और सेकेंड लिटरल क्या है, इक्वल्स 2, ये दोनों क्या है, लिटरल्स है। तो इन दोनों लिटरल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो 303 है, तो 303 एड्रेस पे क्या होगा, जो फर्स्ट लिटरल था आपका इक्वल्स 5, इसके लिए मेमोरी रिजर्व हो गया, और जस्ट इसके बाद 304 वर्ड पे क्या हुआ, आपका जो सेकेंड लिटरल था इक्वल्स 2, इसके लिए आपका एड्रेस रिजर्व हो गया। आगे ये बात समझ में। देन उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, इसलिए नहीं लिख सकते हैं
क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो अब 303 वर्ड एड्रेस पे नहीं है, 304 वर्ड एड्रेस पे नहीं है, अब वो 305 वर्ड एड्रेस पे है। तो हमें यहाँ पे ओरिजिन का यूज करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में पढ़े, अच्छा इसी वीडियो में पढ़े, ओरिजिन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओरिजिन किस लिए यूज होता है स्टूडेंट, ये इंडिकेट करता है लोकेशन काउंटर को कि कहाँ पे सेट होना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओरिजिन 305। ओरिजिन 305 जब हमने लिखा तो लोकेशन काउंटर अब 303 से कहाँ चला जाएगा, सीधा 305 पे, और ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देन 306 और आपका एंड हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम LTORG का यूज नहीं करते हैं तो जितने भी लिटरल्स होते हैं उनको एंड स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, और अगर हम LTORG का यूज करते हैं तो हम एज अ प्रोग्रामर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, असेंबलर हमें अलाउ करता है कि आप सर स्पेसिफाई कीजिए कि आप लिटरल को किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कराना चाहते हैं। तो ये था LTORG के बारे में, और यहाँ पे हमारा एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स एंड हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिला है स्टूडेंट तो कमेंट करना ना भूले। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, 2 दिन में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली एंड होने वाला है। PDF का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, डाउनलोडेबल लिंक्स रहता है, वहां से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग समझेंगे अब पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।